हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। ऑपरेशन आत्मरक्षा के माध्यम से छात्राओं को दी गई आत्मरक्षा की गहन जानकारी पुलिस अधीक्षक अपराध आलोक शर्मा व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिए स्कूली छात्राओं को टिप्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर मंडल में चल रहे शासन के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रगति के मुख्य सचिव ने की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में खुलेगा आई बैंक, 2 सितंबर को सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। डीएम ने कहा कार्निया के कारण रोशनी खो चुके लोगों को मिलेगी वापस रोशनी। महानगर के सभी सूखे और जर्जर पेड़ों को महापौर ने 3 दिन में काटने का दिया आदेश। लोगों के गायब मोबाइल सेट और सर्विलांस सेल और क्राइम ब्रांच की टीम ने किया बरामद, उनके मालिकों को किया सुपुर्द। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम, 1 सितंबर से 4 जनवरी तक चलेगा अभियान। अतिक्रमण कर सड़कों को सकरा कर देने वालों के खिलाफ प्रशासन का चला बुलडोजर। महिला बाइक चालकों को यातायात पुलिस ने दिया हेलमेट, एसपी ट्रैफिक ने कहा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा हेलमेट। एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, ट्रकों के ओवरलोडिंग रोकने सहित विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। एससीएसटी एक्ट को समाप्त किए जाने सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने गांधी प्रतिमा के समक्ष रखा उपवास, मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर भागीदारी आंदोलन मंच ने दिया शांतिपूर्ण तरीके से धरना। और एससीएसटी एक्ट और पदोन्नति में आरक्षण कानून को वापस किए जाने की मांग को लेकर नागरिक मोर्चा ने किया विरोध, किया धरना।